सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि आप जो है रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल सा रिज्यूम, और रिज्यूम क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये हमारा सेकंड वीडियो है रिज्यूम के ऊपर, तो यहाँ पे हम सीखेंगे पहले वाले से अब अच्छा सा स्टाइलिश रिज्यूम और कैसे आप बना सकते हैं। पहले हमने बेसिक रिज्यूम बनाना सीखा था कि एक सिंपल सा रिज्यूम कैसे बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में उससे भी अच्छा रिज्यूम बनाना सीखेंगे, थोड़ा सा डिजाइन और स्टाइलिश रिज्यूम। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप जो है जल्दी से अपना जो है एक रिज्यूम अच्छा सा बना सकते हैं, उसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं और एक अच्छा सा रिज्यूम जो है बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिज्यूम पहले से ये बना लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी तरह का मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले देखिए इस रिज्यूम में क्या क्या है। ऊपर यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है रिज्यूम, यहाँ राइट साइड में फ़ोटो लगेगा आपका, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा। अब देखिए रिज्यूम में आप देख रहे होंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का क्या मतलब है। तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सबसे खास बात यहाँ पर मैं बता दूँ इस रिज्यूम में, जब आप कहीं पर अपना रिज्यूम जमा करते हैं, सबमिट करते हैं किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी या ऑनलाइन, तो वहाँ पर क्या होता है रिज्यूम आपका जमा हो जाता है और इंटरव्यू हो सकता है उस दिन ना हो, इंटरव्यू अगले दिन हो, या फिर एक हफ्ते बाद हो, या 15 दिन या 2 महीने 3 महीने बाद हो। तो रिज्यूम पे अगर आपका मोबाइल नंबर डला हुआ है और ईमेल आईडी, तो अगर साल भर के बाद भी किसी कंपनी को आपकी ज़रूरत पड़ती है और उसके पास आपका रिज्यूम पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपको कॉल कर सकता है या आपको मेल कर सकता है, और इससे क्या होगा आप जो है उनके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल नंबर भी दीजिए रिज्यूम पे और ईमेल एड्रेस भी दीजिए, और मोबाइल नंबर हमेशा जो है ऑन होना चाहिए, वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है और एड्रेस भी देना है। उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे लाइनिंग खींचा गया है यहाँ पे नीचे, और उसके बाद यहाँ पे करियर का क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे कॉलम बनाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम बनाया गया है। सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे क्लास है, डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे डिवीज़न, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने कौन सा क्लास पढ़ा है और उस कब पास किया और क्या उसमें नंबर आया, क्या डिवीज़न आया, वो यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ गया कंप्यूटर स्किल, जबकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे लिख के दिखाया था, अब इसमें यहाँ पे आ गया कंप्यूटर स्किल। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे ही रिज्यूम आप हाई क्वालिटी का बनाएंगे, थोड़ा सा क्या होगा वर्ड उसमें चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्टाइल अलग हो जाएगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता जाता है जैसे आप हाई लेवल का रिज्यूम बनाएंगे। तो वो पहले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, पहले जो रिज्यूम बना के वो बहुत ही सिंपल रिज्यूम था, ये रिज्यूम उससे थोड़ा सा अलग है और ज़्यादा डिजाइन इसमें है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि कितने दिन का आपको एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ आपने काम किया हुआ है, कौन कौन से कंपनी में, वो यहाँ पे आप देंगे। उसके बाद नीचे आता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, ये सारी कुछ जो है नीचे होगा। और यहाँ पे सबसे लास्ट में इसमें भी जो है डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि जितने भी रिज्यूम होता है उसमें सब में लास्ट में नीचे जो है डिक्लेरेशन देना होता है, तो डिक्लेरेशन भी होगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेट होगा, प्लेस, और यहाँ पे आपका नाम होगा। तो इस तरह का ये रिज्यूम जो है आप बना सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी लगा होगा राइट साइड में यहाँ पे फ्रंट पे ही। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप ये रिज्यूम बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिक वाला रिज्यूम एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले आपको दिखाया था बना के, उसे देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिज्यूम मैंने आपको बना के दिखाया था बेसिक, इसमें ना फोटो है ना यहाँ पे अंडरलाइन है वो वाला जैसे उसमें मोटा अंडरलाइन है, ठीक है, इस तरह का है ना, इसमें कॉलम था, ये जो है बिल्कुल सिंपल रिज्यूम है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आसानी से एक अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए हमेशा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करके अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे गए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं आपको रिज्यूम बनाने वाला हूँ, तो आप देखिएगा किस तरह का मैं रिज्यूम यहाँ पे बना रहा हूँ, और अगर आपको एक बार में पता नहीं चलता है तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख के ज़रूर समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में हमें आना है और सेंटर में क्या लिखना है, हमें रिज्यूम लिखना है। तो सेंटर में आने पे यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे ये सेंटर वाला जो अलाइनमेंट है इस पर आप क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कीजिए,
तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा रिज्यूम। ये मैंने यहाँ पे रिज्यूम टाइप किया। आप चाहे तो यहाँ पे पहला वर्ड कैपिटल दे सकते हैं या स्मॉल में जो है ले सकते हैं बाद का वर्ड, पर मैं यहाँ पे पूरा कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ पे जाके ये चेंज केस है, यहाँ पे जाके कर देते हैं अपर केस, तो पूरा ये वर्ड जो है देखिए ये कैपिटल हो गया इस तरह से। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लिक करके नीचे एंटर कीजिए और फिर से यहाँ पे ये लीजिए लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके लिए आप जो है अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एल दबा सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आप नाम, यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ किसी का, एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का भी नाम यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम दिया मैंने रवि कुमार। उसके बाद नीचे करते हैं, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ गया रेड कलर का, तो इस पर क्लिक करके इस तरह से कर दीजिए। ये कह रहा है कि के जो होगा वो कैपिटल होगा, बड़े अक्षर में होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देते हैं मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हमने टाइप किया। उसके बाद नीचे देते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दे दिया हमने। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे हमें देना है, तो लाइन देने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए, सेव में, और यहाँ पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे लाइन है, इस लाइन को ले लीजिए यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कीजिए बिल्कुल यहाँ पे, और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबा लीजिए। शिफ्ट बटन दबा के रखना है और इस तरह से माउस से इसको खींचिए, तो देखिए ये लाइन सीधा खींचेगा यहाँ तक, और उसके बाद छोड़ दीजिए शिफ्ट बटन और माउस भी। पहले माउस छोड़ना है, उसके बाद शिफ्ट बटन छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं सेप आउटलाइन में। ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, फॉर्मेट में जाके मिलेगा। जब आप लाइन पे क्लिक कर रखे होंगे माउस, तभी जाके ये फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे जाके क्या करना है आपको, वेट में जाना है और यहाँ से लाइन को थोड़ा मोटा कर देना है इस तरह से। देखिए लाइन इस तरह से दे सकते हैं, तो मैं ये दे देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए लाइन इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे नीचे मुझे क्लिक करके क्या लिखना है, करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। और देखिए करियर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद ये कोमा इस तरह से लगा देना है आगे, ठीक है, चाहे तो बिंदु भी दो लगा सकते हैं या ये इस तरह से लाइनिंग भी दे सकते हैं। नीचे एंटर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसे गैप दे देते हैं, एंटर करके चाहे तो गैप ले सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इस लाइन को जो है थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, तो ये अपने आप नीचे जो है गैप इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे जो है वो लिखना हमें करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये बंदा जो है, मतलब मैं जो ये रिज्यूम अपना बना रहा हूँ, तो मैं कंपनी वालों को क्या बताऊँगा कि मैं किस तरह से आपके कंपनी को आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे आपको प्रॉफिट दे सकता हूँ, कैसे मैं अच्छा काम करके आपको दे सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा। तो चलिए वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने करियर ऑब्जेक्टिव दे दिया। अब यहाँ पे नीचे क्लिक करके एंटर कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने दे दिया। अब यहाँ पे नीचे आपको टेबल बनाना है, पांच खानों का एक टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये तो आपने सीख ही रखा होगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा सिखाया। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सब्जेक्ट गो चैनल पर पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ट्यूटोरियल है जिसको आप देख सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट है जहां पे जाके आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज बाय सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाइए और उसके बाद यहाँ टेबल पर क्लिक कीजिए। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 जो है आपको खाने चाहिए, ये ले लीजिए। और नीचे जो है वो भी आप ले सकते हैं 4। तो चलिए इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह का टेबल हमने यहाँ पे बना लिया। 1 2 3 4 5 खाने हो गए, और इस तरह से मतलब कि 5 जो है कॉलम हो गया और 5 जो है 4 रो और 5 कॉलम, इस तरह का मैंने ले लिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि आपको अगर ज़्यादा डिटेल इसमें भरना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम भरना है तो कम लीजिए। तो ये ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देते हैं सीरियल नंबर, तो पहले यहाँ पे टाइप करते हैं सीरियल नंबर, दूसरे वाले कॉलम में देते हैं क्लास या डिग्री। उसके बाद थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ कॉलम में लिखते हैं ईयर।
उसके बाद लास्ट कॉलम में यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन या परसेंटेज। तो देखिए इस तरह से हमने दे दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखना है कॉलम में 1, 2, 3। सबसे पहले यहाँ पे बताना है आपको कि क्या आपने हाई स्कूल पास कर लिया है। पहले हाई स्कूल का यहाँ पे दीजिए, उसके बाद 10th+2 का दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डिग्री का, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह से यहाँ पे दीजिए। हाई स्कूल का मैंने दे दिया। यहाँ पे बोर्ड बताना है हाई स्कूल में आप कौन से बोर्ड से थे, CBSE, UP यानी कि स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड से मैं दे देता हूँ यूपी बोर्ड। अब देखिए यूपी बोर्ड यहाँ पे दे दिया, और साथ में यहाँ पे जगह भी देना है कि जो चलाया जा रहा है एजुकेशन वो कहाँ से चलाया जा रहा है, किसके द्वारा। तो इलाहाबाद द्वारा यहाँ पे चल रहा है यूपी में, तो यहाँ पे मैं देता हूँ इलाहाबाद। तो देखिए इस तरह से मैंने दे दिया। अब यहाँ ईयर पूछा है कि कब आपने पास किया क्लास, तो मैंने पास किया 2010 में, यहाँ पे लिख दिया 2010। उसके बाद यहाँ पे पूछा है डिवीजन, तो यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट डिवीजन। आपके सर्टिफिकेट पे जो भी आपको डिवीजन मिला है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट लिखा तो TH जो है यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे ST लिख देते हैं फर्स्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट। ठीक, इस तरह से लिखते हैं, तो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम सेकंड रो में आ गए। अब यहाँ पे लिखना है हमें इंटरमीडिएट, और यहाँ पे बताना है आप जो है कौन से बोर्ड से थे, कहाँ से। तो चलिए यहाँ पे भी टाइप करते हैं यूपी बोर्ड इलाहाबाद। तो मैं इसे ऊपर से कॉपी करके इसे और यहाँ पे सेकंड कॉलम में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कब पास किया आपने, तो यहाँ पे 2012 में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डिवीज़न, तो ये इसमें भी देना है हमें फर्स्ट डिवीज़न। तो देखिए मैंने 1 लिखा और उसके बाद ST लिख के और स्पेस करेंगे तो अपने आप ये ST जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये बन जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर टाइप कर दीजिए डिवीज़न, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर थर्ड कॉलम यहाँ पे आ गया अब रो में। तो इस रो में नीचे सबसे नीचे देना है कि आपने कोई डिग्री किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए एक डिग्री भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BA। और कहाँ से किया है, तो यहाँ पे आपको जो है जगह का नाम और यूनिवर्सिटी दो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पास आपने कब किया, तो 2015। और यहाँ पे दे देते हैं डिवीज़न या परसेंटेज, तो यहाँ पे डिवीज़न था नहीं परसेंटेज था, तो परसेंटेज में यहाँ पे दे देते हैं 86% था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बना लिया। अब चलिए नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब नीचे आप क्या लिखेंगे। तो देखिए मैंने बताया था आपको नीचे क्या लिखना है, अब हमें यहाँ पर देना है कंप्यूटर स्किल। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है कंप्यूटर स्किल। और यहाँ पे नीचे जो है कंप्यूटर स्किल में आपको देना है कि आपने कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स किए हैं, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसे लिखने के लिए मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट ले लेता हूँ, ये इस तरह का एक बुलेट पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं। ये हो गया बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और एक कोर्स और है, वो है हमारा DA DTP। तो दो कोर्स हो गया। उसके बाद एंटर करते हैं और बाहर आने के लिए फिर से एक बार एंटर कर देते हैं। तो ये बुलेट पॉइंट हट गया, हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे हमें देना है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि काम करने का नॉलेज आपके पास कितना है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, किस कंपनी में और क्या काम किया है आपने, वो चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना है समरी लिख के।
तो इसे भी यहाँ पे हम लिख देते हैं बुलेट पॉइंट देके। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस तरह का बुलेट पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 years कंप्यूटर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दे दिया मैंने 5 years कंप्यूटर टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि 5 साल का मुझे कंप्यूटर पढ़ाने का नॉलेज जो है कंप्यूटर में, टीचर में। उसके बाद यहाँ पे नीचे अब आता है हमारा सबसे लास्ट स्टेप, यानी कि पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे देते हैं पर्सनल डिटेल। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको लिखने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको बता देता हूँ किस तरह से देना है। पहले यहाँ पे लिखना है आपको फादर नेम, उसके बाद यहाँ फादर नेम के सामने यहाँ पे आपको अपने फादर नेम लिखने हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप डालते हैं फादर नेम, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस तरह का निशान लगा सकते हैं और फिर अपने कीबोर्ड से जैसे ही टैब बटन को दबाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो एरो पहुँच जाएगा इस तरह से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया यहाँ पे फादर नेम। उसके बाद नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए राइट साइड में क्या करना है, फिर से अपने कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस कीजिए, तो फिर से आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए आप। उसके बाद फिर यहाँ पे देना है जेंडर। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के सामने यहाँ पे जेंडर लिखिए। तो इस तरह से आप जो है डिटेल भर सकते हैं। तो चलिए मैं इस डिटेल को जो है जल्दी से यहाँ पे भर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डिटेल दे दिया और नीचे भी मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दिया। डिक्लेरेशन लिखने के बाद एंटर करके और एक बार टैब दबाइए और यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद डिक्लेरेशन दे दीजिए और यहाँ पे फुल स्टॉप, और उसके बाद यहाँ पे डेट प्लेस और यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए रवि कुमार। यहाँ पे चाहे तो प्लेस में आप पेन से यहाँ पे प्लेस लिख सकते हैं और डेट यहाँ पे पेन से भी डाल सकते हैं, और चाहे तो साथ में आप यहाँ पे कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपका नाम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड में यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ पे फोटो आपको देना है। तो फोटो कैसे देंगे, फोटो लगाने के लिए इंसर्ट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से लीजिए एक कोई भी शेप ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं ये रेक्टेंगल वाला शेप है इसे ले लेता हूँ, और लेने के बाद यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपको जो है खींचना है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे खींचिए और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लगा दीजिए। अब शेप पे आपको क्लिक करके रखना है माउस, तभी जाके आपको आगे का ऑप्शन मिलेगा। आगे का ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे जाइए, इसमें ये देखिए क्या है शेप फिल, इसमें क्लिक कीजिए और इसमें कोई कलर नहीं भरना है आपको। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है पिक्चर में, और पिक्चर में क्लिक करके आपने अपने कंप्यूटर में कहाँ पे अपना फोटो रखा है उसे यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी फोटो आपने रखा होगा तो उस फोटो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी एक फोटो यहाँ पे चुन लेता हूँ, जो भी फोटो मुझे लगाना है वो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये फोटो यहाँ पे चुना मैंने, और इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट करते ही आपका फोटो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना फोटो लगा लीजिए। फोटो लगाने के बाद क्या करना है वो यहाँ पे देखिए, फोटो लगाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और सेव पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ये लीजिए रेक्टेंगल टूल, और इसे लेने के बाद इस तरह से रेक्टेंगल शेप से इस तरह से इसे खींचिए नीचे तक, पूरा पेज पे जाना है, ध्यान रखिएगा, माउस आराम से चलाइएगा, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और देखिए सारा कुछ जो भी आपने बनाया है वो छिप गया, पीछे जो है छिप गया है। तो आपको कहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करके रखना है और फॉर्मेट में जाना है ऊपर,
और यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो हमें जो है इस एरिया को जो है पीछे सेंड करना है, यानी कि जो शेप हमने बनाया है इसे पीछे भेजना है। तो पीछे भेजने के लिए यहाँ पे देखिए सेंड टू बैक पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन चुनिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि ये जो शेप है ये टेक्स्ट के पीछे चला जाए। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अब ये पीछे चला गया। उसके बाद थोड़ा सा इसे ऊपर खींच दीजिए, रिज्यूम जो है वो अच्छे से क्लियर आना चाहिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आ गया। उसके बाद फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे जाइए इस पर शेप आउटलाइन पे, और इस पर क्लिक करने के बाद वेट में जाइए और यहाँ पे जो आउटलाइन वेट है उसे थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा कर दीजिए और ज़्यादा कर दीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया, तो इस तरह से कर दीजिए। और नीचे भी ध्यान रखिए, नीचे भी आपको इसी तरह से करना है, तो नीचे भी यहाँ पे कर दीजिए इस तरह से। अब देखिए ये रिज्यूम जो है आपका ये तैयार हो गया, इस तरह से आपने रिज्यूम को बना दिया। अब यहाँ पे राइटिंग जो है वो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले रिज्यूम जो है इसे आपको बोल्ड नहीं करना, इसे नॉर्मल छोड़ना है। अपने नाम को यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इसे बोल्ड करना है। तो क्लिक कीजिए इसमें ध्यान से और इसे बोल्ड कर दीजिए, और इसका साइज़ बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं आप, वैसे यहाँ पे नॉर्मल साइज़ हम रहने देते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर में इसे जो है बोल्ड करना है आपको। उसके बाद ईमेल आईडी में बोल्ड नहीं करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव है, इसे बोल्ड भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले में, तो यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसे भी बोल्ड करना है आपको सेलेक्ट करके और अंडरलाइन कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमने टेबल बना रखा है, इस टेबल के अंदर ये जो ऊपर रो में जितने भी लिखे गए हैं टाइटल, ये टाइटल जितने भी हैं इनको बोल्ड करना है आपको, सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है। तो इसे बोल्ड कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से इन सबको बोल्ड करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद बोल्ड करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्किल, ये कंप्यूटर स्किल में कंप्यूटर जो है वो पहला वर्ड जो सी है वो कैपिटल है, और स्किल में भी पहला वर्ड कैपिटल है, लेकिन हमें जो है पूरा कैपिटल करना है, जैसे इस तरह से करना है, जैसे ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा गया है ऊपर, इसी तरह से इसे भी कैपिटल अक्षर में पूरा लिखना है। तो उसे करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाइए चेंज केस में, और उसके बाद यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये कैपिटल हो गया, उसके बाद इसे बोल्ड कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरह से हो गया। उसके बाद नीचे आना है आपको, अब नीचे क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिया है आपने टेक्निकल नॉलेज जो दिया है, स्किल दिया है, इसे भी बोल्ड कर देना है आपको। ध्यान रहे इसमें, इस रिज्यूम में हम बोल्ड कर देंगे इसको, क्योंकि ये जो है अगर कहीं पे भी आज आप जॉब करने जाते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप जो है जॉब कर पाएंगे, वरना जॉब नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हम जो ये टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर का, इसे हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिया गया, इसे भी पूरा कैपिटल बना देते हैं। चेंज केस में गए, अपर केस, और उसके बाद बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है, इटैलिक नहीं करना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रखा है, इसे कैपिटल नहीं करना है। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल, इसे भी कैपिटल कर देना है, इस हेडिंग को क्लिक करके अपर केस और उसके बाद बोल्ड अंडरलाइन, हो गया, इस तरह से जो है करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल में जो हेडिंग दिया गया है, जैसे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, इन्हें कैपिटल जो है नहीं करना है, इन्हें सिर्फ बोल्ड कर देना है। ध्यान रखिएगा, इसे क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और इन सबको बोल्ड कर दीजिए इस तरह से क्लिक करके। तो चलिए मैं यहाँ पे इन सबको जो है जल्दी से बोल्ड करके आपको आगे का बताता हूँ। ये हमने बोल्ड कर दिया। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन, ये जो है एक टाइटल है, तो इसे सेलेक्ट करना है, इसे भी बोल्ड कर देना है आपको और अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे बोल्ड नहीं करना है, ना ही इटैलिक करना है कुछ आपको। तो इस तरह से ये रिज्यूम देखिए यहाँ पे तैयार हो गया। और इस लाइन को ध्यान रखिए, लाइन थोड़ा सा इधर भी जो है खाली होगा, इधर इधर भी छूटा हुआ होगा एरिया थोड़ा सा, और इधर भी, तभी जाके ये लाइन जो है अच्छा लगेगा इस पर। तो इस तरह से हमने सीखा एमएस वर्ड में आज कि कैसे आप एक अच्छा सा रिज्यूम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक अच्छा सा रिज्यूम, फोटो लगा के बेहतरीन रिज्यूम एक डिज़ाइन में। आगे आने वाले वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।